भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि भाजपा का संकल्प पत्र केवल जुमला पत्र बनकर रह गया है और देश की जनता उस पर कतई विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि आज देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा सरकार केवल वायदे करती है और उसके बाद भूल जाती है, या फिर उन घोषणाओं को छोड़कर मतदाताओं के लिए नए सबज बाग लाना शुरू कर देती है, लेकिन अब भारतवासी उनके झांसों में आने वाले नहीं हैं। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि भाजपा का संकल्प पत्र केवल जुमला पत्र बनकर रह गया है और देश की जनता उन पर कतई विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि आज देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा सरकार केवल वायदे करती है फिर उसे भूल जाती है, फिर उन घोषणाओं को छोड़कर मतदाताओं को नए सबज बाग दिखाती है, लेकिन अब भारतवासी उनके झांसों में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा, जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने भाजपा संकल्प पत्र को झांसा पत्र बताया और कहा कि इस बार भारत की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी और किसानों की आय को दोगुना करने की बात भी कही थी, 15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा भी किया था, यह वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं गाय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज संकल्प पत्र में गाय का नामो निशान नहीं है, इसलिए उनकी बातों को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती। जुमला पार्ट 2 जो संकल्प पत्र आया है वो अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद उनका जो है संकल्प पत्र है। उसमें 2014 में भी उन्होंने देश की जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे और उन्हीं वायदों के आधार पर जो है देश की जनता ने उन्हें जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। पर बड़े दुख की बात है कि जो वायदे उन्होंने मेन 2014 में रखे थे वो 2019 के संकल्प पत्र में गायब है। उनकी प्राथमिकता थी कि हम 370 को जो हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, वो 2014 में उन्होंने बात करी थी, वो कल भी उन्होंने बात करी। जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो तब नहीं कर पाए, तो वो देश की जनता के साथ इस तरह का धोखा क्यों दे रहे हैं? रोजगार की कहीं उन्होंने अपने संकल्प पत्र में जिक्र नहीं किया है। देश के करोड़ों युवाओं ने 2014 में ये सोचकर उन्हें मत दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेगी, पर कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। देश की जनता उनसे आज पूछना चाहती है, युवा उनसे पूछना चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पे संकल्प पत्र पे उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो चाहते हैं कि रोजगार किस तरह से मुहैया करवाया जाएगा। देश में जो बिजनेस है वो चौपट हो चुका है। GST की कहीं पर कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया है। अपना झांसा पत्र निकाला है, मैं कहना चाहूँगा कि उस झांसा पत्र को वो पहले जो उन्होंने पिछले इलेक्शनों में जो अपना घोषणाएं करी थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, जैसे कि 15 लाख नहीं दे पाए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, सबसे पहले तो उन्हें उसके लिए माफ़ी पत्र निकालना चाहिए था, उसके बाद उन्हें कोई अपना ये चुनाव के लिए पत्र निकालना चाहिए था। दूसरा, मैं बड़ी हैरानी की बात है कि गाय के नाम पर सरकार को, सत्ता को हासिल करने वाली सरकार आज गाय को भूल गई। दूसरा, राम मंदिर को लेकर इन्होंने इतना बवाल मचा रखा है पर अभी भी इन्होंने कोई अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी कि ये किस दिन कब राम मंदिर का निर्माण करेंगे। रही रोजगार की बात, तो जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 31 मई से पहले पहले गिनती के साथ कहा कि इतने युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, भाजपा के पास ऐसी कोई गिनती नहीं है। जिस तरह पिछले कार्यकाल में इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आप सब समझ सकते हैं उसी प्रकार नए घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा किया है जिस पर ये किसी भी तरह से खरा नहीं उतर पाएंगे। और जब से ये सत्ता में आए हैं इन्होंने कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, अभी भी इस घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा कि 2022 तक जो है आय दुगनी की जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि किसान 2022 तक क्या करे? समय कहा करते थे कि केंद्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। अब केंद्र में 5 साल सरकार बनी रही मगर राम मंदिर की कोई बात भी नहीं। आज भी जो संकल्प पत्र है उसमें भी मात्र केवल 2 लाइनें राम मंदिर पे उन्होंने कही हैं, और जो कि सपना भारत के लोगों को कई वर्षों से दिखा रहे थे उसी सपने को फिर आगे बढ़ाया। किसानों की बात की जो पहले कही थी वही बात आज फिर दोहराई है कि 2022 में किसानों की आय दुगनी की जाएगी। पहले ये तो बताएं कि किसान की आय है कितनी, और फिर उन्होंने ये कहा कि धारा 370 को हम ख़त्म करेंगे और 35A को ख़त्म करेंगे। भाई तुम्हारी 5 साल सरकार थी, रोका किसने था? अब तो सरकार आने के कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इतने वर्षों से वही बात जो बात
ये कहते रहे वही करते रहे। और जो 15 लाख की बात थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, जो लोगों किसानों को के कर्ज माफ़ी की बात थी, वो कहीं पर आज जो संकल्प पत्र है, ये तो घोषणा पत्र भी नहीं है, ये तो संकल्प ले रहे हैं पूरा होगा या नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी जुमलेबाजी में थी, अब भी जुमलेबाजी में है, और कोई भी आज हिंदुस्तान का एक भी भारतीय उनका विश्वास करने को तैयार नहीं है। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।